एक आंदोलन हुआ था पहलवानों का, याद है ना? फूट फूट कर रोई थी देश की धाकड़ बेटियां, वो मंजर भूले तो नहीं। बेटियों को घसीटा था सड़कों पर, मौन थी सरकार। बृजभूषण कर रहे थे लगातार प्रहार, याद है ना? महीनों बाद साक्षी मलिक का विस्फोटक खुलासा। बबीता फोगाट के मन में थी कुर्सी की अभिलाषा, बबीता ने ही पहलवानों को उकसाया, फिर ले लिया यूटर्न। क्या है सच्चाई, छिड़ गई है नई लड़ाई। शुरुआत से लेकर अंत तक, धरने से लेकर पैदल मार्च तक, अवार्ड वापसी से लेकर कुश्ती से संन्यास लेने तक, पहलवानों के आंदोलन में शामिल रही और आंदोलन की साक्षी रही ओलंपियन साक्षी मलिक ने ऐसा खुलासा किया है कि लोग हैरान हो गए हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भाजपा नेत्री बबीता फोगाट ने ही आंदोलन के लिए पहलवानों को उकसाया था और बबीता ने ही पहलवानों को भरोसा दिलाया था कि वो भी धरने पर उनका साथ देने बैठेंगी और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगी। और ये सब कुछ बबीता फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह की कुर्सी हथियाने के लिए किया। जी हाँ, ये हमारा नहीं बल्कि साक्षी मलिक का आरोप है। साक्षी मलिक ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बबीता फोगाट पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। साक्षी ने कहा कि कुश्ती संघ में पहलवान बेटियों के यौन शोषण के खिलाफ आंदोलन करने के लिए भाजपा नेत्री बबीता और तीरथ राणा ने ही उन्हें उकसाया था। बबीता फोगाट भारतीय कुश्ती संघ की अध्यक्ष बनना चाहती थी, इसलिए बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन करवा कर उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहती थी। इतना ही नहीं, साक्षी मलिक ने तो यहाँ तक बता दिया कि आंदोलन के लिए बबीता फोगाट ने ही कई पहलवानों के साथ बैठक भी बुलाई थी, जिसके बाद तीर्थ राणा के साथ मिलकर बबीता ने ही पहलवानों को आंदोलन की अनुमति भी दिलवाई थी। साक्षी मलिक के इस खुलासे के बाद हंगामा मच गया है। ऐसे में अब बेटी बबीता फोगाट के बचाव में महावीर फोगाट सामने आ गए हैं। देखिए, जो ये जो बातें कर रही हैं, जो बबीता से कोई साक्षी मलिक इससे कोई वास्ता नहीं था। बबीता ने प्रधान बनने का था ना, जो इन्होंने साथ जो पहले जो जंतर मंतर पर धरना पहले बार हुआ था, जब जो मैं भी गया था, बाद में गया था, लेकिन ये सिर्फ ये अपने दीपेंद्र हुड्डा और प्रियंका गांधी की जो आवाज़ को बोल जो बताते हैं उसी तरह बोलते हैं ये। और इसमें बबीता को लेना देना, जो रही बात इसको जो हो सकता है राहुल गांधी ने कोई इसको इसको पद की या किसी चीज़ की आँव भरी हो और ये इस तरह बयान देती हो, क्योंकि बबीता फोगाट पर धोखा देने का भी आरोप लगाया है उन्होंने। ये बबीता ने जिनकी भी धोखा देना नहीं सीखा ना, वो धोखा खा सकती है, ये उसके ऊपर जो है बिल्कुल निराधार गलत आरोप लगा रहे हैं। ये एक जो है सोची समझी साल है, क्योंकि कोर्ट में भी केस चल रहा है। हाँ, कोर्ट में केस चल रहा है, वो कोर्ट के अंदर कोर्ट के हाथ में लेता है, मैंने आलिया पर पूरा विश्वास है। महावीर फोगाट का कहना है कि साक्षी मलिक कांग्रेस की भाषा बोल रही हैं, क्योंकि बबीता का पहलवानों के आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है। वहीं साक्षी मलिक ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि उन्हें नहीं मालूम था कि बबीता फोगाट उनके साथ इतना बड़ा खेल करेंगी। साक्षी ने बताया कि हमें लगा था कि पहलवान बेटियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर बबीता उनका साथ देंगी, धरने पर बैठकर बृजभूषण के गलत कामों को उजागर करेंगी, मगर बबीता ने पहलवानों को उकसाकर यूटर्न ले लिया और हमें ही बदनाम करने का काम किया। बता दें कि भाजपा के पूर्व सांसद व WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले साल कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लंबे समय तक धरना प्रदर्शन भी किया था। हालांकि पहलवानों के आंदोलन के बाद भी बृजभूषण पर कार्रवाई करने को लेकर सरकार तो चुप रही, मगर सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद बृजभूषण के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई और अब ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में महीनों बाद साक्षी मलिक के इस विस्फोटक खुलासे ने न केवल नई बहस को जन्म दे दिया है, बल्कि बृजभूषण से लेकर भाजपा और बबीता फोगाट की नींद भी उड़ गई है। चरखी दादरी से पुनीत चौराण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।